हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वज्रद पावर। और मैं श्री हरि। आज जो है हम कोल्हापुर में गगन बावड़ा ये जगह पे आए हैं। आज मेरे साथ दीपक, ज्ञानेश्वर और राजेंद्र है, और साथ ही हमारी छोटी जो है पीहू। आज का जो फोर्ट है गगनगढ़, दोबारा एक बार बोलिए गगनगढ़। तो आज का फोर्ट है गगनगढ़। तो चलिए दोस्तों, आज का फोर्ट का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गगनगढ़ यह एक पहाड़ी किला है। यह किला गगन बावड़ा तहसील कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित। इस किले का प्रकार पहाड़ी किला है। किला चढ़ाई में अभी आसान है। गगन बावड़ा किला समुद्र स्थल से 3000 फीट ऊपर है। उपलब्ध जानकारियों से यह पता चला है, इस किले का निर्माण शिलाहार शासक राजा भोज द्वितीय द्वारा किया गया था, जिनकी राजधानी पन्हाला किला था। उन्होंने 15 किलो का निर्माण किया था और गगनगढ़ यह उनमें से एक किला है। यह किला एक दिन में आसानी से देखा जा सकता है। गगनगढ़ यह सह्याद्री श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित है। इस किले को महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक माना जाता है। गगनगढ़ सह्याद्री पठार के शिखर पर स्थित होने के कारण इसके पश्चिम भाग में कोकण की ओर जाने वाले गहरी खाई दिखाई देती है। किले की ऊंचाई तक एक रोड यात्रा होती है। किले की सीधी पहाड़ियों से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के ऊपर मसोबा का मंदिर है, जिसमें एक भैंसे की मूर्ति है। सीढ़ियों को चढ़ते हुए दाई और एक प्राकृतिक गुफाएं मिलती है। गगनगिरी महाराज ने इस किले पर वास किया था और उन्होंने इस गुफाओं में तपस्या की थी। इसके कारण इस गुफाओं में उनका मंदिर बनाया गया है। गुफाओं के बाहर कातल पर स्थित एक शानदार हनुमान जी की मूर्ति है। उसके बगल में राम, लक्ष्मण, सीता और शंकर जी भी की मूर्ति है। गुहा के सामने मठ है, भोजन कक्ष है। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हो तो वहाँ पे आपको भक्त निवास स्थान और नवग्रह मंदिर है। जैसे ही हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं शिव मंदिर की ओर। यहाँ पे आपको बाड़ा साहेब या दादाजी की प्रतिमा यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ से शिव मंदिर के सामने आपको नंदी बैल, और जब हम मंदिर के भीतर जाते हैं तो सुंदर सा एक शिवलिंग यहाँ पे है। हमारी नन्नी पीहू अभी हमें लीड कर रही है। हम ऊपर बाले किले के ओर जा रहे हैं। वहाँ पे गोबी पीर की कब्र, गोबीनाथ की समाधि उपलब्ध है। रणनीतिक तौर पे गगनगढ़ किला जीतना असंभव सा है, क्योंकि यह सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। अगर हम इस किले के बारे में जानकारी लेते हैं तो अभी फिलहाल की फोर्टिफिकेशंस वॉल उपलब्ध है वहाँ पर है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि यहाँ में बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्राचीन दरवाजा यहाँ पे दिखाई देता है। दरवाजे की अगर हम हाइट देखते हैं तो काफी छोटी है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स उपलब्ध है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे पीहू थक चुकी है और ये सामने यहाँ पे आपको दरवाजा दिखाई देता है। फिलहाल जो है यह टूट चुका है, इसकी मरम्मत नहीं है। इसकी अगर हाइट हम ओवरऑल देखें तो हाइट भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं सच कहूँ तो किले की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको जो सामने दिखाई दे रही है वह गोबी पीर की कब्र या गोबीनाथ की समाधि है, जो बाले किले के शिखर पर है। और बाएं बाजू आपको एक मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ से आपको किले की तटबंदी एवं प्राकृतिक पहाड़ियां जो यहाँ पे दिखाई देती है, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है। समाधि के पीछे आपको बुरुज या वॉच टावर भी दिखाई देता है। यहाँ से जो रास्ता ऊपर की ओर आता है वो रास्ता भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। बाले किला पूरे पेड़ों से घिरा हुआ है। तो किले के माथे पर या शिखर पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घास और पेड़ पौधे होने के कारण
अवशेष यहाँ पे देखना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर आते आते जो थकावट होती है, इस निसर्गमय सौंदर्य वातावरण में आने के बाद आप प्रफुल्लित हो जाते हो और झूम उठते हो। इस प्रकार से यह यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही, जहाँ पे आने के बाद पूरी मन की थकावट दूर सी हो गई है। यहाँ का जब निसर्ग सौंदर्यमय वातावरण, हरी भरी पहाड़ियाँ आप देखते हो तो आपका मन अति प्रफुल्लित होता है। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वह हजरत पीर दरगाह है। इसके ऊपर आप नक्शी कला देख सकते हो, काफी प्राचीन नक्शी कला यहाँ पर है। यह दरगाह बंद है, फिर भी हम कोशिश करेंगे यह दरगाह आपको दिखाने। आप देख सकते हो अंदर बहुत ही साफ सुथरा ऐसा दरगाह है। यहाँ पे अभी लौटने का समय हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ का जो निसर्गमय वातावरण है, अति मनमोहक और सुंदर है। आज इस समय पे ये किले के ऊपर आने के बाद बहुत सारे यादें हमेशा याद रहेंगी, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जरूर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरा फोर्ट जो है देख लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जो है जो रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गगनगढ़ फोर्ट यह बहुत ही अद्भुत किला है, यहाँ पे आप जरूर आइए।